हाई एवरी वन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन. आई एम ऑल्सो एकदम चंगा चंगा एंड ओनली बाल थोड़े जो चाहे चंगे नहीं थे लेकिन अभी आपको चंगे लग रहे हैं बिकॉज इसमें आपको अच्छा खासा बाउंस दिखाई दे रहा है, बहुत ही नरिश दिखाई दे रहे हैं एंड आप एक शाइन देख सकते हैं इसके ऊपर एंड थोड़ा सा कलर भी लग रहा है ना आपको थोड़ा सा. मैंने कोई कलरिंग वलरिंग नहीं करी है बट इसका सीक्रेट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. एंड अभी तो मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बिकॉज सिल्की शाइनी बहुत मैनेजेबल है. उसका सीक्रेट भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ. उसका सीक्रेट है ये, तो ये आपको फिलहाल जो है एकदम खत्म हुआ दिख रहा है बिकॉज इसको कम्प्लीटली मैंने और मेरे हस्बैंड ने यूज कर लिया है. दिस इज ममा अर्थ नेचुरल हिना पेस्ट विथ हिना एंड डार्क रोस्ट कॉफी. तो इससे क्या होता है, आपके अगर प्री मेच्योर हेयर की आपको प्रॉब्लम है तो आपका वो भी रिजॉल्व हो जाएगा बिकॉज इट विल गिव यू दैट नेचुरल डार्कनेस एंड उसके अलावा आपके बालों को बहुत अच्छी तरह नरिश करेगा एंड एक सिल्की टेक्सचर भी लेके आएगा. जिनके कलर्ड हेयर होते हैं उनको बहुत सारी मनाही होती है, भैया ये नहीं करना वो नहीं करना है, लेकिन वो लोग भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं, यानी कि हर कोई इसको आराम से यूज कर सकता है. एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, कम्प्लीटली सेफ है, तो हर कोई इसको आराम से यूज कर सकता है एंड दिस इज 100% नेचुरल हिना. ये इतना इजी टू अप्लाई है बिकॉज आपको अलग से मेहंदी लेके उसमें घोल घोल के गुठलियां ना हो वो वाली जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ रेडीमेड हिना पेस्ट जिसमें सारे इंग्रीडियंट्स मिले हुए आते हैं. बस यू नीड टू यू नो ओपन दिस एंड उसके बाद निकालो एंड लगा लो. तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने लगाया, दोनों के लिए सफिशिएंट हो गया. मेरे हस्बैंड के लिए भी और मेरी जो हेयर लेंथ है उसके हिसाब से मुझे सफिशिएंट हो गया. अगर आपके बाल इतने लंबे हैं तो शायद आपको इसका आधा पाउच और जरूरत पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द हेयर लेंथ. सो इसको मैंने कैसे अप्लाई किया एंड क्या कैसा रहा इसका प्रोसेस वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने लगाया था तो दोनों का एप्लीकेशन आपको दिखा देती हूँ एंड आफ्टर इफेक्ट तो ये आप देख ही रहे, मेरे हस्बैंड का भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी. ठीक है, चलो अभी फटाफट से लगा लेते. सो यहाँ पे आप ये भरा हुआ पैकेट देख सकते हो, ममा अर्थ का ये जो हिना है एंड एकदम रेडीमेड है, पेस्ट है. जस्ट ओपन करके जो पेस्ट है निकालना है एंड डायरेक्टली अप्लाई कर लेना है. नॉर्मली क्या होता है, बहुत मेस वाला वर्क रहता है मेहंदी के साथ क्योंकि आपको पहले दिन रात को मिला के रखना पड़ता है एंड ऑल दैट स्टफ, बट इसमें वो कोई टेंशन नहीं है. एंड मेरे हस्बैंड को मैं लगा रही थी तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था तो ही वॉज फीलिंग सो रिलैक्स्ड कि मतलब मदहोश ही होए जा रहे हैं. ये देखो ऐसे नींद वाली सी आँखें लग रही है. तो इनको तो मैंने लगा दिया, थोड़ा सा ही लगता है भाई, जेंट्स को कितना लगता है, ज़्यादा तो हमको लगता है. सो आप जब मेहंदी लगा रहे हो उससे पहले मेक श्योर कि आपने हेड बाथ ले रखा हो. ऑयल के ऊपर बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, वैसे नहीं लगाना चाहिए, क्लीन हेयर पे ही लगाना है. सो अभी हम दोनों गंजू पटोल लग रहे हैं लेकिन इसके बाद एकदम टशन मारने वाले हैं. देखो आप देखा ना आपने लगाना कितना आसान है, बहुत ही आराम से लगा लिया इसको. एंड लगाने के बाद जो है आपको टू एंड हाफ आवर्स तक रखना है. उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से पहले दिन जो है नॉर्मल वाटर से धोएं. नेक्स्ट दिन आपको जो है शैम्पू कंडीशनर लगाना है, उसी दिन नहीं लगाना है. सो अगर आप ऐसे करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है और भी आपको अच्छा मिलेगा. तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने अप्लाई करके इसको 2 घंटे प्लस ही रखा था, उसके बाद ही धोया है. सो वी आर हैविंग दिस इफेक्ट विच यू कैन सी. एंड अभी आपको भी लग रहा होगा कि आपके पास भी ये पाउच हो तो आप लगा पाए, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप परचेज कर सकते हैं. एंड अगर आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं विच विल वर्क ओनली ऑन ममा अर्थ वेबसाइट, अदरवाइज दिस इज अवेलेबल ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. आप बाकी जगह भी ट्राई कर सकते हैं बट वहां पे 20% एक्स्ट्रा आपको ऑफ नहीं मिलेगा, सिर्फ ममा अर्थ पे मिलेगा. एंड ममा अर्थ की दूसरी चीज, अभी ऐप भी अवेलेबल है एंड्रॉयड एंड iOS, तो अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो भी अपडेट्स होगी, जो भी फायदे होंगे, सब कुछ आपको सबसे पहले उसकी इत्तला मिल जाएगी. एंड ममा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना वो प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं. एंड व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम ममा अर्थ योर ऑर्डर विल गेट लिंक्ड ऑन द वेबसाइट विद अ ट्री विच दे हैव ऑलरेडी प्लांटेड. एंड 2025 तक उनकी पूरी कोशिश है कि वो 1 मिलियन प्लान लगा दें, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, राइट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, बेझिझक होके एकदम सिंपल प्रोसेस है. अपने बालों को एकदम यू नो खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं ना, लाइक अपना चेहरा ही नहीं मुस्कुराता यार जब आप अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हो अपनी बॉडी को अपने हेयर को, तब वो भी मुस्कुराते हैं. सो आपको अगर चाहिए तो यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड grab it. Now enjoy the vlog. Everyone, good morning. So-
सो आज जो है हम कुल्लू मनाली के लिए निकल रहे हैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं और एक्चुअली उठे थे सुबह 4:15 बजे, रेडी वेडी होके 5 बजे लगे जो है लोड कर दिया एंड ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। आज के ब्रेकफास्ट में था वड़ा एंड सम पोंगल। सो अभी यहाँ से जो है कुल्लू मनाली के लिए 10 घंटे की जर्नी है एंड सारा का सारा जो जर्नी है वो घाट रोड्स पे ही है, तो बहुत ही केयरफुली भैया को जो है ड्राइव करके लेके जाना है एंड इतनी लॉन्ग जर्नी है, तो आज जब हम पहुंचेंगे कैसे भी शाम हो जाएगी, तो उसके बाद कोई साइट सीन नहीं है आज। जो कल है, कल हम लोग जो है बाकी जो वहाँ पे कुल्लू मनाली को देखने हैं वहाँ देखेंगे, उसके बाद डीजे का ऑर्गेनाइजेशन है और थोड़े बहुत कैंप फायर एक्टिविटीज है, वो जब जब होगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑलरेडी देखो अभिषेक यहाँ सो रहा है कैप शूट लगा के, आदित्य वहाँ पे एंड कल जो है यहाँ पे कटिंग करा ली है। तो चलिए चलते हैं कुल्लू मनाली को देखने, द सुपर स्नो एरिया, एकदम वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आकाश और धरती एक हो रहा है, बिकॉज नीचे भी पूरा सफ़ेद सफ़ेद होता है एंड ऊपर भी पूरा आसमान भी पूरा सफ़ेद सफ़ेद होता है। सो लेट्स सी द सेकंड हेवन। हमारी बस जो है एक जगह रुकी कि रुक गई, एक्चुअली पंचर हो गई, सो एक जगह पे रोका है। तो ये पूरा एरिया देख रहे हो आप, दिखाती हूँ आपको अभी रेयर कैमरा से। पंचर हो गई क्योंकि एक जगह पे रोड ऐसी आई थी, बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड था, बड़ा केयरफुली जो है भैया लेके जा रहे थे, बट फिर भी शायद ब्रिज का इस साइड या उस साइड कुछ लगा, बस को तो डैमेज नहीं हुआ लेकिन पंचर हुई गाड़ी। तो अभी भैया जी है जो टायर चेंज करने के प्रोसेस में लगे हैं एंड बाकी प्रक्रिया क्या चल रही है, टॉयलेट्स चल रहे हैं, पूरा जो है मैदान खुला पड़ा है, तो सब लोग एक 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 कोपचे पे जाके कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं अपना, बिकॉज रास्ते के बीच में वॉशरूम्स का भी कब आएगा कहाँ आएगा कुछ पता नहीं है, बिकॉज पूरा ही जो है ये घाट रोड है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इससे पहले पता नहीं किसी ने हमको, जब हम छोटे बच्चे थे, छोटी बच्ची हो गया आजकल बड़ा डायलॉग चल रहा है ना, तब हमको ये किसी ने लाके दिया था, देख रहे हो। एंड यहाँ पे ये नीचे बहुत सारे पड़े, इसको जो है बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर में पेंट करके अपने घरों में डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं, तो यहाँ पे बतेरे पड़े, कुछ क्लोज है कुछ इस तरह से ओपन है। हाँ, तो इसका मतलब ये इन वाले पेड़ों से गिरते हैं। क्या मुझे बुलावा आया है आने के लिए, तो अभी पंचर कितनी देर में ठीक होता है क्या है देखना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ के पेड़ दिखाती हूँ, नीचे इतनी इतनी खाई है, जब बस में जा रहे ऊपर से देखने में थोड़ा सा डर भी लग रहा है। लेट मी शो यू सी क्या पेड़ है, इन्हीं पेड़ों से जो है वो गिर रहा है एंड कितना नीचे 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 है पूरा, भाई साहब हालत है वो भी दिखाते हैं। फिलहाल रिपेयर चल रहा है एंड यहाँ पे वो जो दिख रहा है आपको, दूर दिख रहा है कि नहीं, ये देखो दिस इज अ स्कूल, बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्कूल, यहाँ से तो पेड़ में से दिख रहा नहीं है, थोड़ा नज़दीक जाके दिखाती हूँ आपको। मैंने टाइप कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ रहे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बच्चे दिखाए थे ना स्कूल ड्रेस में, मुझे लगा कि घरों से निकल के शायद स्कूल जा रहे होंगे, लेकिन स्कूल के गेट पर ही खड़े थे वो लोग। एंड कल जब मेरे हस्बैंड बाल कटा रहे थे, तब वहाँ पे एक भैया जी बैठे थे, उनसे थोड़ी मेरी जो है बातचीत हुई, तो अभी आप लोग की छुट्टियाँ चल रही है वो बोल रहे थे, तो अपनी जैसे मई जून में जो है समर वेकेशन होती है, यहाँ पे उस टाइम पे छुट्टियाँ नहीं होती है, यहाँ पे उस टाइम पे फुल फ्लैश स्कूल चल रहे होते हैं। यहाँ पे इन लोग को छुट्टियाँ सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर उन महीनों में पड़ती है, बिकॉज उस टाइम पर जो है बहुत बर्फ़ गिरती है, बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों के स्कूल बंद, उस टाइम पे सारे कारोबार भी बंद हो जाते, कितनी ठंडी में कोई कुछ क्या करेगा। तो भैया बोल रहे थे
कि अभी जो चल रहा है हमारा बिजनेस जो अभी हमने कमा लिया इस सीजन में बस वही है, उसके बाद एक बार बर्फ स्टार्ट हो गई फिर तो चुपचाप बैठना ही है। रिपेयर हो चुकी है, अभी सभी लोग वापस चढ़ रहे हैं। ये अभी हमारी बस देखो बाहर से अभी दिखा रही हूँ, सारे यात्रीगण यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। एंड ये रहा स्कूल, ये स्कूल की एंट्रेंस है। एंड देयर ऑन द टॉप वी हैव द स्कूल बस। पेड़ों की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, वो देखो हाँ ये दिस इज स्कूल। मैंने सोचा था कि बस रिपेयर हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है। उसको पूरी तरह से चेंज करने के लिए 2 घंटे लगने वाले। कुछ टायर के जो बोल्ट है वो खुल नहीं रहे, तो आगे जाके थोड़ा अच्छा स्पेस जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे भैया रुकेंगे। और मैंने थोड़ा तो लगा लगा के मेरे ना बाल ऐसे चिपक से गए। थोड़ी सी दूर आके अभी एक यहाँ पे थोड़ा सा शॉप दिखा है वहाँ पे रुका, यहाँ पे बस अभी थोड़ी रिपेयर कर रहे हैं। तो चाय पानी अवेलेबल है यहाँ पे, थोड़ा चाय पिए। चाय एक पेट्रोल का काम अपने लिए भी करता है, चाहे कुछ काम करो या मत करो। दोपहर के बज चुके हैं 1:15 एंड लंच के लिए ढाबा मान लीजिए नॉर्मल ऐसा है साइड में मिला, तो वहाँ पे रुका है। तो हमारे जो साथ में कुक्स है वो लोग ने ऑलरेडी खाना बना लिया है, तो शायद से होटल में बात करते हैं कि हम लोग क्या चार्ज करेंगे। वी जस्ट वांट द प्लेस फॉर सर्विंग एंड ऑल, तो उसके लिए लिया हुआ है एंड जस्ट वेटिंग। अभी यहाँ पे परोस देंगे खाना एंड विल हैव आवर लंच एंड उसके बाद और 5-6 घंटे की जर्नी बाकी है। बिकॉज शिमला से लेके मनाली तक 300 किलोमीटर है एंड पूरा घाट रोड है, इसलिए मिनिमम 10 घंटे लगते हैं। और बीच में हमारे ऐसे पंचर हो गया था गाड़ी का, तो उसकी वजह से 1.5 घंटा और वेस्ट हो गया, तो उसकी वजह से और 1 घंटा ज़्यादा भी लग सकता है। तो सुबह हम लोग निकले 4:15 बजे उठे थे, 7 बजे निकले थे, शाम के 7-8-10 कितना होगा पता नहीं, लेट्स सी जब पहुँचेंगे कैसे भी आपको बताऊँगी। आज खाने में क्या है देखते हैं। यहाँ पे ये जो रास्ता है 60 किलोमीटर तक घाट रोड नहीं है,
ये 60 किलोमीटर्स के बाद अगेन फिर से घाट रोड शुरू हो जाएगी। तो ये जो है पूरा एक सिटी टाइप का है, नॉर्मल जो सारी शॉप्स एंड ऑल, जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ के घरों की बनावट ही या स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग सा है, जैसे हम लोग लैंडस्केप फोटोज नहीं बनाते हैं ऐसे झोपड़ी टाइप के, मतलब झोपड़ी नहीं है बट ऊपर आते आते जो फिर वैसा सा लुक आ जाता है। ये सफ़र आज का कब खत्म होगा पता नहीं, क्योंकि आज सुबह से जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई थी जल्दी जो है जा नहीं रही है। पहले पंचर हुआ, उसके बाद गाड़ी जो है थोड़ी हीट हुई, फिर रोका, तो बार बार जो है रुकना पड़ रहा है। वैसे ही इतनी लॉन्ग जर्नी और उसके बीच में इतने सारे ब्रेक्स, तो यहाँ बैठे बैठे टायर हो गए। और तो बच्चों के लिए तो लास्ट सीट में ठीक है कि वो लेट है, बट बैठे बैठे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, गैस हो जा रही है पेट में। चल सुंदर नगर का सुंदरता से आनंद उठाते। एक ऑब्जर्वेशन मैंने ये किया है कि यहाँ के जितने भी छतें हैं, जो छत के ऊपर जो हम लोग रेलिंग लगाते हैं, जल्दी हम लोग जो है दीवार बनाते हैं, यहाँ पे किसी ने भी दीवार नहीं लगा रखी, सब लोगों ने जो है ग्रिल्स ही लगाए हैं। मतलब दीवार का यहाँ पे फैशन नहीं है कि सब लोगों ने ग्रिल्स ही लगाई है। एक्चुअली अगर बजट वाइज में देखें तो ग्रिल थोड़ा सस्ता पड़ता है एंड दीवार बनवानी तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है। समझदारी किसमें सोचो, पर ड्यूरेबिलिटी किसमें वो भी सोचने की जरूरत है। नहीं वो खराब है, इतना खतरनाक जाम हो गया, आधे घंटे से गाड़ी जो है हिल नहीं है, जो पड़ी हुई है, दिख रहा है कितनी दूर तक आपको जो जाम दिख रहा है। आगे भी वही हाल है एंड पीछे भी वही हाल है, फंसे पड़े यार, जर्नी बिल्कुल मतलब चल ही नहीं रही है। आज बाकी सारे दिनों के कंपैरिजन में सबसे पहले स्टार्ट हुए थे आज। मैं थोड़ा सा टाइम पास किया जाए तो बिस्कुट पैकेट भी निकाला जो रास्ते में खरीदा था, लेस है थोड़ा बिस्किट पैकेट यही था वहाँ पे, तो यही लिया। अच्छे हैं हिमाचली बिस्कुट। हम लोग को बोला था कि ट्रैफिक जाम हुआ है, अभी ट्रैफिक जाम होके ऑलरेडी एक घंटा क्रॉस हो चुका है। एंड यहाँ सबसे मैं आपको ये नदी दिखा रही हूँ, ये है ब्यास नदी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। ये व्यू तो काफी अच्छा लग रहा है लेकिन ट्रैफिक जाम ही जो है बहुत बेकार लग रहा है। दिस इज ब्यास नदी। वॉशरूम्स के लिए रुके थे यहाँ पे, तो चाय भी ले रहे हैं अभी। दिस इज कॉल्ड मंडी एंड ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो अभी और 87 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली बचा हुआ है, तो विच विल टेक अनदर 2 एंड हाफ आवर्स। सीरियसली हाँ, सुबह से बैठ बैठ के ना टांगे ऐसे दर्द जम गई है ना, जब उतर के चल रहे हैं तो ना जो घुटने ना एकदम से टक 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 कर रहे हैं। है अब्बा और 2 एंड हाफ की जर्नी, यानी अभी 5:30-6 हो रहे हैं, 8 बज जाएंगे, अंधेरा भी हो ही जाएगा, बट कांट हेल्प इट। देखिए पानी के दो कलर है, एक साइड एकदम ब्लू ब्लू सा लग रहा है, दूसरी साइड में जो है मट्टी सा लग रहा है।
बहुत ज्यादा खराब है। अभी अभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एंड आदित्य वहाँ बैठा हुआ था, देखो कांच पूरा टूट गया। एंड अच्छा वो हम एक गेम खेल, आदित्य उधर उठ के इधर आया, पहले मैं उधर खड़ा था, वो वाली सीट खाली थी। एंड अच्छा वो कुछ चुभा नहीं, पूरा कांच टूट चुका है। सीरियसली सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। సత్య ముందే దిగారు కదండి డ్రైవర్ కంటే ముందు చుట్టూ ये छोटे छोटे टुकड़े ही डेंजरस है, बड़े बड़े तो कैसे भी निकाल देंगे। करेक्ट, रात के 10 बज रहे हैं, अभी हम पहुंचे हैं मनाली। जैसे कि मैंने आपको बताया बीच में एक्सीडेंट सब की वजह से काफी लेट हो गया था, अभी पहुंचे सुबह 6 बजे के आसपास जर्नी स्टार्ट हुई, 4:15 बजे उठे थे, 10 बजे पहुंचे। वेरी हेक्टिक, रूम अलॉट हो गया है 602, लगेज लेके निकलना है। ऐसे लग रहा है कान ब्लॉक हो गए, इतनी ठंडी नहीं लग रही है वैसे मनाली में, लेकिन शिमला में लगी थी। बस स्टिल वेरी टायर्ड, कैच यू लेटर।